गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीई 209 सब्जेक्ट का नाम सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन मटेरियल का एक टॉपिक सीमेंट और एंड मोर्टार, इसके बारे में हम यहां पर ई लेक्चर दे रहे हैं। मेरा नाम है धर्मेंद्र कुमार चंगेरिया, मैं जीपीसी बांसवाड़ा से हूं और सीई 209 सीई 209 का एक प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, आप उसमें इससे संबंधित दूसरे वीडियोस भी देख सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं सीमेंट के बारे में। हमने एक वीडियो बनाया है पहले ई लेक्चर, तो ये जो ई लेक्चर है वो टाइप ऑफ सीमेंट पर है, तो यहां से हम शुरू कर रहे हैं। टाइप ऑफ सीमेंट, सीमेंट का वर्गीकरण, इसको दो प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। ओपीसी बेस्ड सीमेंट, ओपीसी बेस्ड एंड नॉन ओपीसी बेस्ड। तो ओपीसी बेस्ड सीमेंट है और नॉन ओपीसी बेस्ड सीमेंट है। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ओपीसी की तीन ग्रेड अवेलेबल है सीमेंट की। पहला है थर्टी थ्री ग्रेड सीमेंट, 43 ग्रेड सीमेंट और 53 ग्रेड सीमेंट। ये तीन ग्रेड ओपीसी की हैं। नेक्स्ट है, ये ओपीसी 28 डेज की मेन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का मान होता है, 33 एमपीए, 43 एमपीए और 53 एमपीए से ज्यादा होता है, तो उस सीमेंट को 33 ग्रेड, 43 ग्रेड और 53 ग्रेड कहते हैं। आईएस कोड में एक अलग डेफिनेशन भी दिया हुआ है। 28 डेज का करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को हम 33 ग्रेड या 43 है तो, और 53 आया है तो उसको कहते हैं। ओपीसी क्या का इनिशियल सेटिंग टाइम 30 से कम नहीं होना चाहिए और ओपीसी का फाइनल सेटिंग टाइम 600 मिनट मतलब कि 10 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट को जैसे आरएचसी कहें हम, तो इस सीमेंट की स्ट्रेंथ बहुत जल्दी प्राप्त होती है। इस सीमेंट में C3S का मान बढ़ा दिया जाता है। C3S का मान अगर हम बढ़ा दें तो इसकी स्ट्रेंथ जल्दी मिलने लगती है। इसकी फाइननेस ओपीसी की तुलना में ज्यादा होती है। आपको पता होगा कि जितना सीमेंट फाइन होता है उतना जल्दी जमता है, तो हार्डनिंग जल्दी हो जाती है। तो स्ट्रेंथ, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की स्ट्रेंथ कम होती है, सेटिंग टाइम पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस सीमेंट का उपयोग प्री फैब्रिकेटेड कंक्रीट कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन जहां पे जल्दी हार्ड करके उसको जल्दी उपयोग लिया जाना हो, और रोड रिपेयर वर्क जहां पर फ्रेम वर्क की आवश्यकता जल्दी हटाना हो, तो इस सीमेंट का प्रयोग करते हैं, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। दूसरा है एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में CaCl2 को मिलाया जाता है, उसे ERHC कहते हैं। एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट मतलब और भी ज्यादा हार्ड जल्दी होना। CaCl2 की मात्रा सीमेंट में 2% से अधिक नहीं मिलाते हैं। इस सीमेंट का यूज करते समय ट्रांसपोर्टेशन, कॉम्पैक्शन और फिनिशिंग का टाइम 20 मिनट होता है। 20 मिनट में ही ये जम जाएगी, तो उतने टाइम में इसको जमा मिलाना, ट्रांसपोर्ट करना और उस जगह पर उसको रख के फिनिशिंग करना। इस सीमेंट को एक महीने से ज्यादा स्टोर नहीं करते हैं, ये खुद ही जम जाएगा नहीं तो। इस सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम 5 मिनट से कम नहीं होता है और फाइनल सेटिंग टाइम 30 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 5 मिनट तो चाहिए होते हैं मिक्स करके उस प्लेस पर रखने में, उससे थोड़ा ज्यादा टाइम होता है और 30 मिनट से पहले पहले ये जम भी जाता है। इस सीमेंट का यूज ठंडे इलाकों में प्री स्ट्रेस्ड सीमेंट वर्क में किया जाता है, है ना। एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है ये। लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट, इस सीमेंट में C2S की मात्रा इंक्रीज कर दी जाती है और C3S, C3A, C3AF की मात्रा डिक्रीज कर दी जाती है।
तो लो हीट के लिए क्या पड़ा है, C2S, C2S को LHPL से लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट कहते हैं। सेटिंग टाइम इसका ओपीसी के समान ही है। इस सीमेंट का यूज मास कंक्रीट वर्क, डैम, ब्रिज, फाउंडेशन और पियर आदि में किया जाता है। जहां पर मास कंक्रीट हो रही हो, बहुत वॉल्यूम ज्यादा, जहां से जैसे डैम का हो या ज्यादा थिकनेस की रोड हो, एयरपोर्ट का पेमेंट हो, तो वहां पर क्या है, डैम में, ब्रिज में, इस पर अगर बहुत ज्यादा कंक्रीट होती है तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है और वो इतनी थिकनेस होती है कि वहां से बाहर नहीं निकल पाती है। इसलिए कम हीट प्रोड्यूस हो ऐसा बल्क मास के लिए तो इस तरह की सीमेंट बना दी जाती है, C2S की मात्रा बढ़ाकर। नेक्स्ट है सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। इसका कैसे बनाते हैं, इसको C3A वाली सीमेंट है, इसमें कम है, SRC कहलाती है, सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट, SRC। C3A को कम कर दिया था, इससे C3A की मात्रा 5% तक कर दी जाती है। तो इसमें Fe2O3 की मात्रा बढ़ाकर CAF को बढ़ाते हैं, परंतु IS कोड के अनुसार ट्वाइस C3A प्लस C4O8 की मात्रा 25% से अधिक नहीं होनी चाहिए। C3A जिसको हमने कम किया है और C4A3 C4AF, इन दोनों की मात्रा 25% से अधिक नहीं होनी चाहिए। सेटिंग टाइम ओपीसी के समान होता है। इस सीमेंट का यूज मेरिन कंस्ट्रक्शन, मेरिन वाली कंडीशन में, ऐसे एनवायरनमेंट में, और सीवेज ट्रीटमेंट वर्क में, और पाइप फैब्रिकेशन में, और जहां पर सल्फेट बीरिंग सोइल के सोइल बनाना हो वहां पर, तथा बेसमेंट तथा फाउंडेशन इत्यादि में करते हैं। जहां सोइल में सल्फर की उपस्थिति अधिक है वहां पर भी इस तरह की सीमेंट को यूज करते हैं। सल्फर रेजिस्टेंट सीमेंट थी है SRC। तो सल्फर रेजिस्टेंट करने के लिए क्या कर देते हैं, C3A की मात्रा को कम कर देते हैं। अब सुपर सल्फेट सीमेंट में, इस सीमेंट में 80 से 85% ग्रेनुलेटेड होता है, तथा हार्ड बर्निंग जिप्सम 10 से 15% होता है, तथा 5% PLC मिलाया जाता है। इस प्रकार सल्फेट का इस पर कोई प्रभाव नहीं होता है। इस सीमेंट का यूज सी वाटर और मेरिन वर्क में, समुद्र के किनारों पर, सीवेज पाइप में, ट्रीटमेंट प्लांट में उपयोग करते हैं। जहां पर मिट्टी में रासायनिक पदार्थों की मात्रा ज्यादा होती है वहां पर इसका यूज करते हैं। सेटिंग टाइम इसका ओपीसी के बराबर है। सुपर सल्फेट है ना, तो सल्फर वाले जो एनवायरमेंट है उसमें भी हम सुपर सल्फेट सीमेंट काम में लेते हैं। नेक्स्ट है कलर्ड पोर्टलैंड सीमेंट, या कलर सीमेंट हो चाहे व्हाइट सीमेंट हो, इस सीमेंट में आधार के रूप में पोर्टलैंड सीमेंट का यूज करते हैं, तथा कलर के लिए पिगमेंट का 5 से 10% इसमें यूज करते हैं। तो आधार के लिए इसमें क्या, पोर्टलैंड सीमेंट ही होता है, और फिर इसमें पिगमेंट डाला जाता है। पिगमेंट हमेशा परमानेंट बना रहता है, इसके लिए इसके 5% से 10% की मात्रा मिलाई जाती है। इस पर लाइट और वेदर का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो बाद में कलर हट जाएगा सीमेंट का। तो कलर पिगमेंट, अगर ब्लू कलर हमें सीमेंट चाहिए तो हम क्या करते हैं, उसमें कोबाल्ट डाला जाता है। ब्लू कलर की सीमेंट के लिए कोबाल्ट यूज करते हैं। ग्रीन कलर की सीमेंट के लिए क्रोमियम ऑक्साइड यूज करते हैं। रेड और येलो ब्राउन सीमेंट बनाने तो आयरन ऑक्साइड, आयरन का खुद का कलर रेड और ब्राउन है। ग्रे कलर की सीमेंट बनानी है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ब्लैक कलर की सीमेंट बनानी तो इसमें मैंगनीज का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हम आगे देखते हैं। व्हाइट सीमेंट के लिए रॉ मटेरियल कच्चा पदार्थ हाईली प्योरली लाइमस्टोन होता है।
और इसकी मात्रा 96% से, जिसमें सी ए सी ए थ्री सी ए सी ओ थ्री 7% से 0.7 से 0.8% होता है, रेपी 2O3 का यूज करते हैं। 96% तो सी ए सी ओ थ्री है और Fe2O3 जो कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल है उसका परसेंटेज कम करके 0.7 से 0.8% Fe2O3 को कर देते हैं। इस तरह मैं किसी भी रॉ मटेरियल को, चाइना क्ले 0.72 से 0.8 आयरन ऑक्साइड होते हैं उससे बनाया जाता है, सी वाटर और कोरल का यूज भी वाइट सीमेंट में करते हैं। इसमें सिलिका सैंड और फेल्सपार का यूज करते हैं, इसके लिए इसको करने से इसमें फ्लक्स का काम लेते हैं ताकि इसको गलाया जा सके। मंदक के लिए सेलेनाइट का यूज करते हैं। यह था वाइट सीमेंट। अब है हाइड्रोफोबिक सीमेंट, मतलब पानी का जिस पर असर नहीं हो, पानी से जो दूर, पानी को दूर करता हो, पानी के साथ संयोग नहीं करता हो, ऐसा हाइड्रोफोबिक सीमेंट। इस सीमेंट का मॉइस्चर वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि यह सीमेंट वातावरण की नमी को अवशोषित नहीं करता। ग्राइंडिंग के समय क्लिंकर में वाटर रिपेलेंट फिल्म बन जाती है, तो स्टेरिक एसिड, बोरिक एसिड, ओलिक एंड पेंटा क्लोरोफिनोल को मिलाया जाता है। ऐसा हाइड्रोफोबिक सीमेंट बनाने के लिए बोरिक एसिड और स्टेरिक एसिड और पेंटा क्लोरोफिनोल को मिलाया जाता है। इस सीमेंट का यूज अधिक आर्द्रता वाले हेवी रेनफॉल वाले इलाके, ऐसे स्थान में और आसाम, शिलोंग, ये जहां जहां पर बारिश ज्यादा होती है, ऐसे जगह पर किया जाता है। पुअर ट्रांस, जहां पर ये ट्रांसपोर्ट करके ले जाना संभव नहीं है, वहां पर भी इसको यूज करते हैं। इस सीमेंट में 8 to 20% पार्ट सल्फर एल्यूमिनेट और 100% पोर्टलैंड सीमेंट का 15% स्टेबलाइजर होता है। यह सीमेंट ग्राउटिंग के लिए यूज की जाती है तथा इसका यूज ग्राउटिंग, एंकर बोल्ट, ग्राउटिंग फॉर मशीन फाउंडेशन, प्री स्ट्रेस कंक्रीट डक्ट्स एटसेट्रा को भरने में, जोड़ने में यूज होता है। सेटिंग टाइम ओपीसी के बराबर है। अब है आईआरएसटी 40 स्पेशल ग्रेड सीमेंट। अभी कुछ स्पेशल ग्रेड सीमेंट है, यह सीमेंट रेलवे के स्पेसिफिकेशन के लिए तैयार की जाती है, तो इसलिए इसको आईआरएस, इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड T40, ये सीमेंट, ये इसका एक कोड है 1985 के अनुसार। इस सीमेंट में C3S की मात्रा इंक्रीज कर दिया जाता है और उसके साथ साथ सीमेंट की फाइनेस भी इंक्रीज किया जाता है। इस सीमेंट का प्रारंभिक इनिशियल सेटिंग टाइम 60 मिनट से ज्यादा नहीं होता है, मतलब इसका इनिशियल सेटिंग टाइम कम करते हैं और फाइनल सेटिंग टाइम 600 मिनट से भी कम होता है। इस सीमेंट का यूज रेलवे स्लीपर, प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट, उसके एलिमेंट्स और हाई राइज बिल्डिंग में हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के रूप में किया जाता है। यह सीमेंट ओपीसी की तरह ही होती है और इसमें क्लिंकर में जिप्सम के साथ पोजोलोना और नॉन पोजोलोना मटेरियल मिलाया जाता है। पोजोलोना सीमेंट क्या होता है? पोजोलोना मटेरियल होता है ब्लास्ट फर्नेस का, किसी भी भट्टी का फर्नेस का जो एश होता है उसको पोजोलोना के रूप में काम में लिया जाता है। इसकी फाइनेस ओपीसी से ज्यादा होती है। इसका यूज मेसनरी कंस्ट्रक्शन में किया जाता है। सबसे अधिक इनिशियल सेटिंग टाइम होता है इसका पोजोलोना डालने से इसका सीमेंट टाइम, तो लेकिन फिर भी 90 से अधिक नहीं होता है, तो इसका सीमेंट का टाइम 50 से 90 मिनट तक होता है। फाइनल सेटिंग टाइम 1440 मिनट, मतलब 24 घंटे में इसका फाइनल सेटिंग होता है। दूसरे में 10 घंटे में होता है, ये थोड़ा और 2 घंटे प्रोलॉन्ग हो जाता है। वाटर प्रूफ पोर्टलैंड सीमेंट, इस सीमेंट में वाटर प्रूफ एजेंट मिलाए जाते हैं जो कि सामान्य रूप से एडमिक्सर को यूज करते हैं। वाटरप्रूफ में क्या एडमिक्सर मिला देते हैं? एडमिक्सर क्या है? कैल्शियम स्टेरेट, एल्यूमिनियम स्टेरेट और टॉनिक एसिड और जिप्सम। इसका सेटिंग टाइम ओपीसी के बराबर ही होता है। और अब एक क्विक सेटिंग टाइम,
सेटिंग सीमेंट, क्विक सेटिंग मतलब जल्दी सेट होने वाला। इस सीमेंट में ग्रेडिंग के समय क्लिंकर में जिप्सम की मात्रा कम कर दी जाती है और इसमें कुछ मात्रा में एल्यूमिनियम सल्फेट मिलाया जाता है। तो इनिशियल सेटिंग टाइम इसका 5 मिनट है और फाइनल सेटिंग टाइम 30 मिनट है। 30 मिनट में फाइनल सेट हो जाती है, तो एक क्विक सेटिंग है ना। रैपिड हार्डनिंग है, उसमें हार्डनेस बढ़ती है लेकिन ये सेट होने का टाइम है, और सामर्थ्य भी इसमें बाद में आती होगी लेकिन ये खाली सेट टाइम से हो जाती है। अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन करना है या कहीं वाटर फ्लो हो रहा है और वहां पर कंस्ट्रक्शन करना है, तो ऐसे में क्विक सेटिंग सीमेंट काम आती है। इस सीमेंट में 45% CaO और 35% सिलिका होती है। कुछ मात्रा में एल्यूमिनियम की कुछ मात्रा लेते हैं। इसमें स्लेग की मात्रा 25% से कम होनी चाहिए और 65% से अधिक होनी चाहिए। इस सीमेंट में हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत कम होता है। सोइल में पाए जाने वाले सल्फेट के प्रति इसका प्रतिरोध अच्छा होता है। सल्फेट मिट्टी में अगर सल्फेट्स हैं तो उसके प्रति बहुत अच्छा प्रतिरोध रखता है ये सीमेंट। इस सीमेंट का यूज मास कंक्रीट वर्क के लिए भी किया जाता है, जैसे बताया था डैम, ब्रिज के पियर, हेवी फाउंडेशन। इसमें क्यूरिंग की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है ना। क्विक सेटिंग में सेट जल्दी हो जाता है, क्यूरिंग की आवश्यकता नहीं। और इस सीमेंट का उपयोग ड्राई एरिड जोन शुष्क क्षेत्र वाले एरिया में किया जाता है क्योंकि इसको क्यूरिंग की आवश्यकता नहीं होती है। अब हम देख रहे हैं पीपीसी, पोर्टलैंड पोजोलोना सीमेंट। अब वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पीपीसी का यूज होता है और अभी इंडिया में भी ये पीपीसी बनने लग गया है। जो भी 43 ग्रेड 53 ग्रेड की सीमेंट आ रही है उसमें पोर्टलैंड पोजोलोना सीमेंट यूज बनाना प्रोडक्शन शुरू हो गया। तो ओपीसी सीमेंट में 15-35% पोजोलोनिक मटेरियल मिलाया जाता है, जो उसका जो गेज है, जो भी मटेरियल है उसमें 15-30% पोजोलोना मिला दिया जाता है। मैंने बताया पोजोलोना क्या है, जो भी जो प्लांट्स हैं, थर्मल पावर प्लांट है जहां पर कोयला बर्न होता है और उसके जो फ्लाई एश है उस एश को प्रिसिपिटेट करके वो एश ही पोजोलोना मटेरियल की तरह काम में लिया जाता है। फ्लाई एश कोयले की राख है। पोजोलोना मटेरियल में बाइंडिंग प्रॉपर्टी नहीं होती लेकिन जब सीमेंट के साथ मिलाया जाता है तो इसमें बाइंडिंग का गुण उत्पन्न हो जाता है। इसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत कम होती है तथा सल्फेट अटैक और क्लोराइड आयरन पेनिट्रेशन के प्रति सीमेंट का कोई प्रभाव नहीं होता है। क्लोराइड आयन पेनिट्रेशन, क्लोराइड का जो इफेक्ट है या सल्फेट का अटैक का जो इफेक्ट है वो इसमें नहीं होता है। इसकी पारगम्यता परमेबिलिटी बहुत कम होती है, इस कारण इसकी स्ट्रेंथ बहुत अधिक होती है। इसकी परमेबिलिटी कम है तो दूसरे जो बाहर के पानी है या एसिड है या जो भी बाहर के वातावरण के जो कारक है तत्व है वो अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाते। इस सीमेंट का यूज मेरिन वर्क और मास कंक्रीट वर्क में किया जाता है। अब हम देख रहे हैं नॉन ओपीसी बेस्ड सीमेंट। जो ओपीसी नहीं है और ऐसी सीमेंट्स हैं, तो ये वीडियो की हमारी लिमिटेशन है अपलोड करने के लिए, हम इसको अगले ही पार्ट में ले रहे हैं। इसी वीडियो में आपको इसका लिंक भी मिलेगा कि इसको अगर आप देखना चाहते हैं तो कंटिन्यूशन में डिस्क्रिप्शन में जाकर इसका पार्ट टू नॉन ओपीसी बेस्ड सीमेंट का वर्गीकरण है, टाइप है, ये हम इसमें बना रहे हैं। एग्जाम में अधिकतर एक या दो टाइप का सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग, क्विक सेटिंग है ना, लो सल्फेट, इस तरह की सीमेंट का नाम देकर पूछा जाता है। तो हमें ध्यान रखना है कि उसके कॉम्पोजिशन में क्या चीज़ अलग है और उसकी क्या प्रॉपर्टी है। तो ये आप जरूर से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इनको याद करें। और सेकंड वीडियो अगले ही दिन कल अपलोड हो जाएगा, तो आप इनको देखते रहें। तो हम अभी टाइप ऑफ सीमेंट, सीमेंट का क्लासिफिकेशन देख रहे थे। तो ये CE 209 का सीमेंट का चैप्टर है। मैन्युफैक्चरिंग का वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग, और अभी हमने टाइप ऑफ सीमेंट किया है। तो नॉन ओपीसी बेस्ड जो सीमेंट है वो नेक्स्ट वीडियो में ले रहे हैं। आप इनके डिस्क्रिप्शन जरूर से देखें। थोड़े टाइम बाद हम इनमें कुछ और लिंक्स डाल देंगे, इससे कनेक्टेड लिंक, उसकी भी तैयारी चल रही है। और दूसरा, इनकी एक प्लेलिस्ट बनेगी। जैसे ये CE 209 सब्जेक्ट है तो CE 209 का प्लेलिस्ट सर्च करेंगे तो उसमें सारे सब्जेक्ट्स, सारे
चैप्टर और इससे रिलेटेड वीडियो आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और मैं जीपीसी बांसवाड़ा से हूँ, धर्मेंद्र चंगेरिया, एचओडी सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। आप इन वीडियो को देखते रहें। आपका कोई क्वेश्चन है, आप कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, कमेंट में जरूर से लिखिए। धन्यवाद।